सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सभी लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो यार दोस्तों, करीबन 3 से 4 महीने के बाद मैं आज ये अपना व्लॉग शूट कर रहा हूँ, और सभी को हैप्पी दीपावली। और आज के वीडियो में हम आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाने वाले हैं कि हमारे एक जो घर का अभी काम चल रहा था वो कितना हो चुका है, और उससे आगे भी हम बहुत चीज़ें दिखाएंगे आपको। अभी हमने करीबन 3 महीने पहले एक बिज़नेस सेटअप किया है, जिसमें हम प्रिंटिंग वगैरह का काम स्टार्ट कर रखा है, जैसे टी शर्ट प्रिंटिंग, मग प्रिंटिंग, बॉटल प्रिंटिंग, और आपका शादी के कार्ड प्रिंट करना। तो बहुत सी चीज़ें स्टार्ट करी हैं, तो आपको उसका भी हम टूर देंगे। तो यार शुरुआत करते हैं अभी घर दिखाने से, पहले घर का कितना काम हुआ है और कितना बचा है। तो पहले मंदिर दिखाते हैं आपको। मंदिर के अभी सफाई की भी काम की वजह से बहुत ज़्यादा उलट पुलट हो गया था मामला, तो मंदिर दिखाते हैं पहले। तो आज शाम पूजा के लिए मंदिर कर दिया बिल्कुल साफ, और दिवाली की पूजा से ही होनी है रात को। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। तो अभी ऐसा सा कुछ सीन है जैसा आपने पहले देखा ही है व्लॉग में, कि घर की थोड़ा हालत खराबी सी चल रही थी। ये हमने किराए में दिया हुआ था, तो इसका थोड़ा मेंटेनेंस वगैरह हल्का फुल्का ही था। तो ये हॉल है, यहाँ पे एक बेड लगाया है कोई हमारा गेस्ट आता है तो। बाकी ये पहला कमरा है, और ये है हमारा वॉशरूम। ये मम्मी पापा का रूम, इसमें भी अभी बहुत काम बाकी है, जैसे पर्दे लगने बाकी हैं, लाइट वगैरह बाकी। इतना यहाँ पर हो रखा है, और नीचे अभी किचन का काम बाकी है, तो वो थोड़ा सा दिखा देते हैं। तो अभी यहाँ पे डाइनिंग हॉल बनेगा इतने एरिया में, और वहाँ पे अभी हमारा किचन का काम होना बाकी है। ये हमारा किट्टू। तो अब मैं आ गया हूँ मेन कमरे में, जहाँ पे हमारी मशीन का सेटअप है, और जहाँ मेरा वर्क फ्रॉम होम सेटअप भी लगा हुआ है। तो ये है मेरा वर्क फ्रॉम होम सेटअप, और ये मेरा बेड। बाकी ये है हमारी कुछ मशीन। ये मशीन हमारी आपका कार्ड प्रिंटिंग के लिए काम आती है, और इसमें हम करते हैं अपनी टी शर्ट को प्रेस, हीट एंड प्रेस। और ये जो आप देख रहे हैं, इसमें हीट एंड प्रेस होता है मग, मग बोतल जो भी कर सकते हैं, कुछ भी लगा लो इसमें आप। बाकी ये है कटिंग मशीन, जिसमें पेपर कट होता है। आपके अभी चुनाव आने वाले हैं, तो उसमें उसी साइज़ से पेपर कट होगा, और ये सारे पेपर रखे हुए हैं उसी चीज़ के लिए। और बिल बुक बनाने के लिए जो यूज़ में आता है गत्ता, सब कुछ है अभी। और ये है हमारे शादी के कार्ड। तो ऐसा सर कुछ हमने अभी स्टार्ट करा है बिज़नेस। तो अगर आपको टी शर्ट बनवानी है, शादी के कार्ड प्रिंट करवाने हैं, या फिर इन्विटेशन कार्ड प्रिंट करवाना है, जैसे किसी के यहाँ सुंदरकांड वगैरह होता है तो इनविटेशन कार्ड देते हैं, वो भी हम करते हैं काम, तो बताइएगा। और आगे भी शाम को दिखाएंगे आपको आगे का जो कुछ भी होगा, आज का पूरे दिन भर में हम क्या क्या करेंगे, शाम तक का व्लॉग शूट करूंगा मैं। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। तो यार घर पे आए तो घर का काम भी करना पड़ेगा ना यार, तो फिर मैं निकल जाता हूँ आटा लेने के लिए। अब आटा लेने के लिए हम जा रहे होते हैं अपने दादी के घर, क्योंकि हमारा खेत से गेहूँ वगैरह आता है, और वहीं पे मशीन लगी हुई है। तो ये जो सामने आपको मशीन दिख रही है, इसी में आटा वटा हम निकालते हैं, आपका गेहूं डाला, आटा निकाला, और ऐसा कुछ सीन था। बाकी बहन ने एक रंगोली बनाई थी, तो दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और कुछ अजीब अजीब सी हरकतें भी कर रही है देखो। तो ऐसा सा कुछ सीन था। फिर हम आटा लेके पहुँच जाते हैं घर पर। कॉलेज से आने के बाद ना घर, मतलब ऐसा लगता है कि कोई चीज़ सिस्टमेटिक है ही नहीं, मतलब कोई स्केड्यूल ही नहीं है अपना, कभी भी कुछ भी हो रहा है, कभी सामान लेने चले जाओ, कभी उठ जाओ, मतलब पूरा एक कॉलेज का जो स्केड्यूल होता है ना, पूरा बिगड़ जाता है। तो यार अभी हो चुकी है रात, और रात के हो गए हैं
मतलब रात क्यों कह रहा हूँ मैं, हाँ ऐसे रात हो चुकी है, 7 या समथिंग ऐसी 6-7 बज रहे हैं, 6:15 हो चुके हैं सॉरी। तो अभी मैं दुकान पे ही हूँ, घर वाले गए हैं पूजा करने के लिए मंदिर में और मेरे हवाले छोड़ रखे हैं दुकान, तो अभी जब वो आएंगे फिर मैं जाऊँगा मंदिर। तो आज की वीडियो में इतना ही रखें क्या? तो अगर आगे वीडियो बननी होगी तो आगे देखेंगे, कल परसों में अगर कुछ मिलेगा। अभी वैसे हमारा किचन का काम भी स्टार्ट होने वाला है, तो उस टाइम पे मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ब्लॉग्स बनाऊँ और आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से काम करवा रहे हैं हम। तो मिलते हैं आगे किसी अनदर वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।